हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ। मैं तो नहीं चाहता हूँ पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं जो फेसबुक चलाता हूँ ना, तो दो चार आदमी का ऐसा ऐसा कुछ देख लेते हैं कि मुझको मजबूरी में बनाना पड़ जाता है। इसलिए बनाते हैं कि वो मेरे बात को सुने। तो भाइयों दोस्तों, आज मेरा जो वीडियो है मणिपुर के कांड का वाला के बारे में है। जो मणिपुर कांड हुआ है उस पे दो तीन व्यक्ति, जिसे नेहा सिंह राठौर हैं वो चौकीदार पर मणिपुर के अथी पर गीत गई हैं, और कोई है जो गीत गया है, तो मैं थोड़ा उनसे भी पूछना चाहता हूँ, नेहा सिंह राठौर से, जिसे कि नेहा सिंह राठौर जी, आप तो पहले उस चौकीदार के चलते आज जो हैं आपकी पहचान है। सबसे पहले आप ये जानिए कि आप पहचान बनी हैं। कोई अगर आपको पहचानता है तो समझिए कि उस चौकीदार के नाम से आप चौकीदार को विरोध की हैं इस वजह से। लेकिन विरोधों करिए तो ऐसा मत कीजिए कि हर चीज़ पर आप जो हैं गहना बनाइए और उन्हीं का विरोध बनाइए कि जो करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। ये आपकी गलत सोच है, मन की गलत की भावना है, मन की गलत भावना है, ठीक है। और जो मैं ये कहने जा रहा हूँ कि चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कहीं भी ऐसा घटना होती है, ऐसी कहीं भी घटना होती है, तो इसका जिम्मेवार पीएम और हमारे देश का पीएम और ना ही उस जिस राज्य में होता है उस राज्य का मुख्यमंत्री हो दोषी होता है। कोई दोषी नहीं होता है। अगर उसका दोषी है तो स्वयं हम लोग हैं, हमारा समाज है, और कोई नहीं है। और जो पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे पर उंगली उछाल देता है कि इनकी सरकार है, ये है, वो है, फिर उनका उनके सरकार में हुआ तो ये लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, तो ये हम लोग एक दूसरे पर भी उंगली उठाने शुरू कर देते हैं कि हाँ ये कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस वालों ने की है, और ये बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी वालों ने की है। नहीं, इसका जिम्मेवार जो है वो जिस राज्य में होता है उस राज्य के नहीं मुख्यमंत्री दोषी है और ना ही हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री दोषी होगा, और ये कभी नहीं। अगर इसका दोषी है तो खुद हम लोग हैं, हमारा समाज है। और हमारा जब तक समाज नहीं सुधरेगा, हम लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक कभी ये घटना जो है होते ही रहेगा। करने वाला हर व्यक्ति या हर समाज, जो सब लोग समझ लगे कि जो रास्ते पर या कहीं जा रही है, लड़की हो या लेडीज है, वो हमारी माँ बहन के समान है, उसका इज्जत करे, उसका सम्मान करना सीखे, तो फिर ये कहीं घटना नहीं होगी। अगर घटना घट रही है तो दोषी वो सरकार है जो उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाए, तब वो सरकार दोषी होता है, तब उस सरकार को हम दोषी मानेंगे कि हाँ जो सरकार है दोषी है, वो उसकी जिम्मेवारी होती है, उसको सजा दिलवाना, पकड़वाना जो है उसकी जिम्मेवारी होती है, वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेवारी होते हैं, बल्कि नहीं देश के केंद्र प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है। और इस प्रदेश के प्रधानमंत्री भी खुद आकर बोले हैं, ये भी समझिए नेहा सिंह राठौर जी। और ये जो घटना हुई है एक पर्सनल किसी कांग्रेस की या व्यक्ति के नहीं हुआ है, किसी के जाति के पर्सनल नहीं हुआ है, ये हमारी माँ बहन की इज्जत की हुई है। तो हम लोग को समाज में अच्छा बनना चाहिए, समाज को सुधारना चाहिए, हर व्यक्ति को, और समाज हम ही लोग से बनता है, हम ही लोग से सुधरता है। तो हम लोग खुद उसका दोषी होते हैं, और नेताजी लोग जो है हम लोग को एक दूसरे पर जाति में बांट कर, किसी धर्म में बांट कर, किसी जाति में बांट कर कि इस जाति के लड़की के साथ ये हो गया, वो हो गया, इस पार्टी की सरकार है तो उसने ऐसा किया, तो इस सब जो है सबका